लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पंजाब के जालंधर में एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल 10 नवंबर की रात घर में सो रहे 17 साल के कन्हैया की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसका कारण किसी को समझ नहीं आया। सिविल हॉस्पिटल लाकर फैमिली ने डॉक्टरों से कहा कि पेट दर्द के कारण हालत खराब है। जब डॉक्टरों ने जांच की तो सामने आया कि उसे कॉमन क्रेट क्रैट सांप ने काटा है। जानकारों के मुताबिक कॉमन क्रेट के काटने पर कई बार मच्छर काटने से भी कम दर्द होता है, जिस कारण पीड़ित को पता ही नहीं चलता कि उसे सांप ने काटा है। सिविल में मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरसेम लाल की देखरेख में डॉक्टरों ने कन्हैया को वेंटिलेटर पर रखा और तुरंत जहरोधी एंटी वेनम दवा के 10 टीके लगाए। अब कन्हैया की हालत खतरे से बाहर है और उसे जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। वन्य जीवन संरक्षण समिति के प्रधान निखिल सेंगर ने बताया, पंजाब के 10 में से 8 सांप बेहद जहरीले हैं। इस मामले में मरीज को कॉमन क्रेट ने काटा था। क्रेट कोबरा से भी जहरीले होते हैं। इनके दांत बेहद बारीक होते हैं और काटने पर कई बार चिकोटी काटने जितनी दर्द भी नहीं होती। कई बार शिकार को पता भी नहीं होता कि उसे स्नेक बाइट हो गया है, इसलिए इस सांप को साइलेंट किलर स्नेक भी कहते हैं। मरीज को स्नेक बाइट की जानकारी होने पर जान का खतरा बन जाता है।